बनते हुए कितना टाइम लगेगा? ये भी जस्ट 5 मिनट्स में तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। इतना बेहतरीन बेहतरीन किस्म का, ये देखें। नाम सुना था के लाइव ये डिशेस बनाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम ट्राई करने के लिए आई बिस्मिल्ला हुई आई पहली बार आए हैं, और ये अपने दोस्तों को भी साथ में लाएंगे, अपनी फैमिलीज को भी लाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईजी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक। नहीं, मैं आज जिस किचन में मौजूद हूं या जिस रेस्टोरेंट में मौजूद हूं, ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो बनते हुए आपको लाइव दिखाते हैं। इतना खूबसूरत तरीके से ऐसी डिशेस, जो आपको पता है कि जो चाइनीज होती हैं ना डिशेस, वो बड़ी आसानी से और जल्दी बन जाती हैं, और लेकिन यूनिक स्टाइल से बनती हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं लाइव बनते हुए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या बना रहे हैं और क्या खिलाएंगे आप हमें? चिकन मंचूरियन बना रहा हूँ आपके सामने। ये अभी आपने क्या ऐड किया? ये मैंने चिकन ऐड किया, ठीक है। ये मैंने हाफ डन किया हुआ चिकन जो है, चिली पेस्ट मैंने ऐड किया है, और फिर उसके बाद मैंने ये स्टोक मैंने निकाल के रखा हुआ चिकन, वो मैंने ऐड कर दिया। मैं इसमें ऐड करूँगा विनीगर, ठीक है। बाद में ऐड करूँगा इसमें केचप। नॉर्मल से थोड़ा सा हट के होती हैं ये वाली डिशेस ना, जैसे हम घर में बनाते हैं ना, उससे काफी मुख्तलिफ होती हैं। ऐड करूंगा ये पूरा जो हमारा जेन्युइन रेसिपी में वो आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। अच्छा, आज तक वैसे हम जितने भी रेस्टोरेंट पे गए हैं ना, वो अपनी सीक्रेट रखते हैं किचन को भी और इस सारी रेसिपी को, लेकिन यहाँ पे देख लें बिल्कुल ओपन है। अभी आपने दो चीजें क्या ऐड की हैं? ये मैंने चिकन पाउडर और शुगर है, दो चीजें मैंने ऐड कर दिया। इसको बनते हुए कितना टाइम लगेगा? ये भी जस्ट 5 मिनट्स में तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, और ये तकरीबन बस तैयार हो गया, बस रेडी हो गया। अरे राइस के साथ लेंगे, अब जो मैंने पहले जो राइस बनाया था उसके साथ ये सर्विंग होगा, उनका कस्टमर को सर्व करूंगा, ठीक है। और ये सीजनिंग में जाएगा, इस सीजनिंग में जाएगा। अच्छा। तो अलग से हीट गर्म करना पड़ता है। अच्छा, इसको वापस में पहले राइस में उसमें डिश में दूंगा, और ये इस सीजनिंग में जाएगा। हमें आप और क्या बनता हुआ दिखाएंगे? हमारे पास मोमोज है, डम्पलिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट उसमें है, फ्लेवर में है। उसके बाद जो है स्टेक है हमारे पास है, बीफ में, चिकन में, और ज़बरदस्त किस्म का स्टेक रखा हुआ है। उसके साथ हमारे पास पास्ता है, उसके बाद जो है सैंडविचेस है, देख सकते हैं। ये इस प्लेट को उन्होंने पहले सही तरह हीट में रखा है, उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने डाल दिया, और इतना बेहतरीन बेहतरीन किस्म का, ये देखें यार, जबरदस्त। सर आपने, सर आपको टेस्ट कैसा लगा सबसे पहले तो आप बताएं, क्योंकि मैं तो बताता रहता हूँ बहुत सारे लोगों को, आज लाइव आप भी टेस्ट करके बताएं हमें, ताकि लोगों को भी पता चले कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। नाम सुना था के लाइव ये डिशेस बनाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम ट्राई करने के लिए आई बिस्मिल्ला हुई आई पहली बार आए हैं, और ये अपने दोस्तों को भी साथ में लाएंगे, अपनी फैमिलीज को भी लाएंगे इंशाल्लाह। खास तौर पे यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सीटिंग वगैरह, और ओपन किचन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है डिमांड लोगों की जो खाने पीने के शौकीन है, तो लेकिन ओपन किचन ये हमारे सामने तैयार हो रही होती हैं चीज़ें। आप चेक करें और मुझे बताएं, और लोगों को भी खास तौर पर बताएं कि ये इसका जो टेस्ट है वो यूनिक सा है या कैसा है, क्योंकि मैं तो बताता रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला आप भी लें, आपको भी बिस्मिल्लाह करवाएं आज। ये लाइव है सामने आपके बनाते हैं, फौरन आप ऑर्डर करें, 5-7-8 मिनट में आपको तैयार करके दे देंगे, और जो चीज़ भी इनकी होती है वो सामने नज़र आ जाती है, क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। शुक्रिया। आप भी, आपको कैसा लगा सर? बड़ा ज़बरदस्त जी। अच्छा। हम पहले दफ़ा इधर का रहे। अच्छा। बहुत जगहों में का है, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी में ये पहले दफ़ा का रहे, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। अगर आप रावल पिंडी या इस्लामाबाद के नज़दीक हैं तो इस रेस्टोरेंट पे अभी तक नहीं आए, तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक ना बड़ा नुकसान किया हुआ है अपना। अगर आप मरी रोड से गुजरते हुए जाते हैं, नवाज शरीफ पार्क जो है बड़ा फेमस है, और स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हर बंदे को पता है रावलपिंडी में कहाँ पे है। साथ ही फूड स्ट्रीट है, तो फूड स्ट्रीट में आप जब इंटर होते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको बड़ा सारा बोर्ड नज़र आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं ये क्या लेके आए हैं हमारे लिए आप? ये आपके लिए मैं स्पेशल मोमोज लेके आया हूँ, और इसके अंदर जो स्टफिंग हुई है तो उसमें वेजिटेबल्स हैं और चिकन है, स्टीम में बनती है जी, मतलब लो फैट है। इसको पैक किसे किया हुआ ये सारा ऊपर? ये हमने खुद हाथ से किया होता है। ट्राई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट कैसा है, यूनिक टेस्ट है इसमें कोई शक नहीं है।
नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह की डिशेज़ बहुत कम बनती हैं। रावलपिंडी स्टेडियम के बिल्कुल साथ फूड स्ट्रीट जो है आप उस पर ज़रूर विज़िट करें। अगर यहाँ पे आते हैं तो चाइनीज़ फूड यहाँ पे आप जैसे बोर्ड भी आप देख सकते हैं, ये आपको बड़ा सारा बोर्ड नज़र आ जाएगा। तो कंप्लीट एड्रेस तो तकरीबन हमने बता दिया, तो ये वाले भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो भी आप खाना चाहते हैं, ओपन किचन है, ओपन किचन में जाके जो भी आप खाना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको बना के खिलाएंगे और ज़बरदस्त टेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। रेफरेंस आएगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, जो आप बड़ी ऑफर आएगा। अच्छा, अगर किसी को पसंद नहीं आता तो उसको पेमेंट वापस करेंगे आप? पैसे भी वापस कर देंगे यार, बड़ी ऑफर डाल दी इन्होंने। ये पहले हमारा कोई डिसाइड नहीं था कि इस तरह की कोई बात होगी, तो 10% डिस्काउंट भी है जो देख के आएगा उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा जो भी कस्टमर आएगा। ज़बरदस्त जी, ये ऑफर अच्छी है, आप एक बार ट्राई भी करें, डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।